नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के अतरौलिया में सड़क दुर्घटना में 12 वर्षीय छात्र की दर्दनाक मौत। पुलिस ने वाहन समेत शव को लिया कब्जे में। आपको बता दें कि स्थानीय थाना क्षेत्र के पंडौली नंदना के समीप तेज रफ्तार बर्फ की सिल्ली लदी पिकअप की चपेट में आने से 12 वर्षीय छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर वाहन व चालक समेत शव को अपने कब्जे में ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारी गांव निवासी प्रभास जायसवाल बेबू पुत्र ब्रजेश कुमार उम्र लगभग 12 वर्ष अपने पिता ब्रजेश कुमार के साथ स्कूटी से ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल अतरौलिया में पढ़ने के लिए शुक्रवार सुबह घर से निकला था। उससे पहले ही उसकी स्कूल बस चली गई थी। तत्पश्चात घर से स्कूटी लेकर 7:30 पर सुबह अपने विद्यालय ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल जा रहा था कि पंडौली नंदना के शरीफ पहुंचा ही था कि तभी अतरैट की तरफ से बर्फ की सिल्ली लेकर तेज रफ्तार आ रही पिकअप ने अनियंत्रित होकर स्कूटी सवार ब्रजेश कुमार और उसके 12 वर्षीय पुत्र छात्र को टक्कर मार दी, जिससे छात्र वहीं गिर गया। तभी अनियंत्रित बर्फ की सिल्ली लदी पिकअप उसके ऊपर ही पलट गई, जिसके कारण घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए तथा पिकअप व चालक समेत शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक तीन वाहनों में एक इकलौता पुत्र था। वहीं आपको बता दें तो मृतक के पिता ब्रजेश कुमार रेलवे में नौकरी करते थे। पिता की तरफ से स्थानीय थाने पर तहरीर दी गई है। तहरीर प्राप्त होते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इकलौते बेटे की दर्दनाक मौत से माता शांति देवी व तीनों बहनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं इकलौते पुत्र के मौत से घर का चिराग ही बुझ गया। इस दर्दनाक दृश्य को देख हर किसी की आंखें नम हो गई। क्या कुछ कहा है मृतक के परिजन ने, आप सुनिए। आपका राजेंद्र साहब कहाँ घर है? हमारी। आज आप लोग थाने पर आए, क्या घटना घटी इसके बारे में बताइए। घटना घटी है कि जो है मेरे भतीजा ब्रजेश जो है अपने लड़के को लेकर आ रहे थे ब्लू बेल्स स्कूल अतरौलिया नंदना बाजार के पहले जो है एक पिकअप वाला जो है साइड मार दिया, एकदम बाएं जा करके, और दो बार जो है घूम करके जो है मारा। उसकी मुड़ी जो उसमें उछल गई और तुरंत एक्सपायर कर दिया। अच्छा, क्या नाम था बच्चे का? प्रभास। प्रभास, तो थाने पे आए हैं, तहरीर दिए हैं, क्या क्या मांगे हैं? कि उसके साथ जो है उचित न्याय हो। उचित न्याय है तो बच्चे के और कोई भाई बहन हैं? तीन बहनें केवल हैं। तीन बहनें केवल हैं। हाँ।